ये समझ लेना, जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है। जन्म हमें कौन सी माता की कोख से मिलेगा, कौन सी जाति में मिलेगा, कौन से घर में मिलेगा, कौन से परिवार में मिलेगा, वो संस्कारी होगा या नहीं होगा, वो अच्छा होगा या नहीं होगा, वो बेहतर होगा या नहीं होगा, वो सुखी होगा या नहीं होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, निश्चित तौर पर समझना, जन्म हमारे हाथ में नहीं है लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। जन्म कैसा होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हम नहीं सोच सकते, उसके बारे में हम विचारना नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर समझना, जीवन कैसा होगा उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में विचारना कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। जन्म को बदल नहीं जा सकते लेकिन जीवन को बदल सकते हैं। और इसलिए कहा, समझना, तीन चीजें आपके जीवन को बदल सकती है, सुधार सकती है। जन्म सुधारना हमारे हाथ में नहीं। जन्म कहाँ होगा, कैसा होगा, हम नहीं जानते। जैसे हमारे कर्म, जैसा हमारा पुण्य, जैसा हमारा भाग्योदय, पिछले जन्म के जैसे हमने कर्म किए होंगे वैसा हमें जन्म प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते, समझ लीजिएगा, जन्म सुधारना, जन्म को अच्छा करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को सुधारना हमारे हाथ में है। हम जीवन सुधार सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं परिणाम हमारे बदल सकते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं चेंजेस ला सकते हैं। इसीलिए कहा, तीन चीजें आपके जीवन को बदल सकती है। जब बात कर्ण की चल रही है तो उसके जीवन से हम सीखे कि जीवन में इतनी परेशानियों के बावजूद, जीवन में इतनी तकलीफों के बावजूद वो आदमी कहां से कहां निकला, जीवन में अपनी सज्जनता को पकड़े रखा, जीवन में अपनी अच्छाइयों को पकड़े रखा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि निश्चित तौर पर समझ लेना, जीवन में हम जीवन बदल सकते हैं, जीवन सुधार सकते हैं, जीवन में अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं। तीन चीजें हमारे जीवन को बदल सकती है। कहा, सबसे पहले नंबर में हमारा जीवन कौन बनाता है, तीन चीजें मिलकर के हमारा जीवन बनाती है। और इसीलिए कहा, सबसे पहले नंबर में आपका पुरुषार्थ कितना है वो आपका जीवन बनाता है। पुरुषार्थ से जीवन बनता है। हमारा पुरुषार्थ कितना है, कैसा पुरुषार्थ हम करते हैं, कौन से क्षेत्र में हम पुरुषार्थ करते हैं, ये बड़ी महत्व की चीज है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया कि समझ लेना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के समन्वय से जीवन बढ़ता है। लेकिन पुण्य के भरोसे बैठ नहीं सकते, हमें पता नहीं हमारा पुण्य कितना है, हमें पता नहीं हमारा पुण्योदय कितना है, हमारा नसीब कितना तेज, हमारा नसीब कितना अच्छा है, हमारी किस्मत कैसी है, हम नहीं जानते। पुण्योदय के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है कि नहीं है, है कि नहीं है, हमारे हाथ में। ऋषि ने कहा कि तीन चीजें आपका जीवन बनाती है। जन्म हम बदल नहीं सकते लेकिन जीवन निश्चित तौर पर बदल सकते हैं। इसलिए कहा कि पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आप क्या पुरुषार्थ करते हो, कौन से क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हो, वहीं से आपको सफलता प्राप्त होगी। और निश्चित तौर पर इसलिए अद्भुत श्लोक लिखा गया, सुतो वा सुत पुत्रो वा युवा को वा नमाम्यहम्। कहा कि सुतो वा सुत पुत्रो वा, चाहे दासी कुल में उसका जन्म हुआ है, सुतो वा सुत पुत्रो वा योवा को वा भवाम्यहम् देवायत्तम कुले जन्मम मदायत्तम तु पौरुषम्। कहा कि कहां जन्म होना वो आपकी किस्मत के हाथ में, आपके पुण्य के हाथ में, आपके नसीब के हाथ में, लेकिन कैसा जीवन बनाना वो हमारे हाथ में है। और कर्ण के जीवन से हम सीख सकते हैं, पूरा जीवन उसको दासी पुत्र कहा गया, उसको सुत पुत्र कहा गया, हर जगह उसका धिक्कार किया गया, हर जगह उसका अपमान किया गया, हर जगह उसको निकाला गया, हर जगह उसको परेशानी खड़ी की गई, लेकिन फिर भी उसने जीवन को ऐसा अद्भुत बनाया कि आज भी अच्छे लोगों में उसकी गणना होती है, आज भी सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है, आज भी कौरवों के पक्ष में रहते हुए भी उसका गुणगान किया जाता है। सुतो वा सुत पुत्रो वा, हम कहां जन्मे यह महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए आज की दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो यह कहता है कि गरीब के घर में जन्म होना
ये हमारी परेशानी नहीं है, लेकिन जीवन भर गरीबी में ही मर जाए ये हमारी परेशानी है। कि हम जीवन में कुछ करें ही नहीं, जीवन में कुछ आगे ही ना बढ़े, जीवन में हम कुछ करने की कोशिश ही ना करें, तो ये हमारी गलती है। गरीब के घर में जन्म हो जाए ये हमारी गलती नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है कि मेरा जन्म बहुत छोटे घर में हुआ था, बहुत गरीब घर में हुआ था, लेकिन गरीब के घर में जन्म हो जाए जहां कुछ साधन ना हो, जहां कुछ सामग्री ना हो, जहां कुछ सुविधा ना हो, ये हमारा तकलीफ नहीं है, ये हमारा दुख नहीं है, ये हमारी पीड़ा नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन हम गरीबी में ही मर जाए, तकलीफ में ही मर जाए, पूरा जीवन छोटी सोच रख के ही हमारा जीवन खत्म कर दे, तो ये हमारी गलती है। निश्चित तौर पर ये हमारी गलती मानी जाती है, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है। और यही बात लिखी गई कर्ण के लिए, ये समझने की कोशिश करिए। पूरा जीवन उसको दासी पुत्र कहा गया, लेकिन फिर भी वो इंसान ने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, और इसलिए आज भी बहुमान के साथ उसका नाम लिया जाता है। इसलिए कहा कि देवायत्तम कुले जन्मम, किसके कुल में जन्म होगा वो देवता भगवान जानते, वो आपका पुण्य जानता है, लेकिन मदायत्तम तु पौरुषम, हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। हम जीवन को कैसा बनाए ये हम चाहते हैं, वैसा हम जीवन बना सकते हैं, हमारी चाह के मुताबिक हमारा जीवन बनता है। और मैं तो निश्चित तौर पर कहता हूँ, समझना, आज जो भी आपका जीवन है वो आपकी चाह का नतीजा है और कुछ नहीं है। आप अच्छा भी करते हो तो वो भी आपकी चाह का नतीजा है, और आप बुरा भी करते हो तो वो भी आपकी चाह का नतीजा है। हम दूसरे पे नहीं डाल सकते, इसकी वजह से मुझे क्रोध आता है हम नहीं कह सकते, ये मुझे उकसाता है हम नहीं कह सकते, इसकी वजह से मेरा ईगो हर्ट होता है हम नहीं कह सकते। जीवन में जो भी परिणाम हम प्राप्त करते हैं वो मात्र और मात्र हमारे किए हुए विचारों का नतीजा है। इसलिए कहा कि मदायत्तम तु पौरुषम, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहे वैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। कहा नंबर वन, पुरुषार्थ आपके जीवन को बदलता है। कौन तय करता है हमारा जीवन कैसा हो? कहा के पहले नंबर में पुरुषार्थ तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। दूसरे नंबर में कहा कि प्रज्ञा तय करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। प्रज्ञा यानी नीति, आपकी बुद्धिमत्ता कैसी, आपकी नीति कैसी है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुख मूरत देख ही तैसी। भगवान वैसे दिखाई पड़ेंगे जैसी आपकी भावना है। भगवान तो भगवान है, वो अपने स्थान पर उत्तम है, वो अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, लेकिन हमें कैसे दिखाई पड़ेंगे? जाकी रही भावना जैसे, जैसी भावना होगी वैसी मूर्त दिखाई पड़ेगी, जैसी नीति होगी वैसा जीवन बनेगा। जिस नीति से आप जीवन जीना चाहोगे उस नीति के मुताबिक आपका जीवन तैयार होगा। इसीलिए कहा कि नीतिमत्ता अच्छी है और निश्चित तौर पर भाव आपके अच्छे है तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बेहतर होगा। क्रियाएं कितनी अच्छी हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता। क्रियाओं से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। आप तीन टाइम मंदिर चले जाते हो उसका मतलब यह नहीं कि आपके भाव अच्छे हैं, उसका मतलब यह नहीं कि आपका उद्धार हो जाएगा। आपको अच्छा बोलना आता है उसका मतलब यह नहीं कि आपका उद्धार हो जाएगा। आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप ज्ञान बांटते फिरते हो उसका मतलब यह नहीं कि आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन भीतर के भाव अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर उद्धार होगा। प्रज्ञा तय करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा, क्रिया तय नहीं करती। हमारे यहाँ तो यहाँ तक लिखा गया कि अभवी आदमी इतनी अद्भुत क्रिया करता है कि मक्खी की पाख की भी विराद ना हो, ऐसी क्रिया करता है। लेकिन अभवी मोक्ष में जीवन में कभी जाना नहीं, कभी निश्चित तौर पर उसका उद्धार होना नहीं है। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझने की कोशिश करिए, पुरुषार्थ आपकी भविष्य तय करेगा, आपका जीवन तय करेगा। दूसरे नंबर में प्रज्ञा तय करेगी कि आपका जीवन कैसा बनेगा। और तीसरे नंबर में कहा कि परिचय, आप किसके साथ परिचय में आते हो ये तय करेगा कि आपका जीवन कैसा बनेगा। हम किसके संपर्क में रहते हैं, हमारे यहां बड़ी अद्भुत बात लिखी गई कि जो चावल का दाना होता है वही चावल का दाना यदि कुमकुम के साथ मिल जाता है तो कहां लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है, माथे पर। वही चावल का दाना यदि कुमकुम के साथ मिल जाए तो माथे पर उसका स्थान हो जाता है, और वही चावल का दाना यदि मूंग की दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है, और कोई मर जाता है तभी उसको खिलाया जाता है। चावल वही है, समझना,
चावल वही है, लेकिन संग किसके साथ करे ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कुमकुम के साथ संग करता है तो विदय तिलक और विजय तिलक और विदाय तिलक के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि मूंग की दाल के साथ वो मिल जाता है तो उसकी खिचड़ी बन जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जीवन में कैसे लोगों से परिचय करना, ये बड़ा सोच समझ के करना, कैसे लोगों के परिचय में आना। मैं तो बार बार कहता हूं, बार बार टोकता हूं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जीवन को अच्छा बनाना है तो निश्चित तौर पर नेगेटिव इंसान से दूर रहो। जो व्यक्ति की बातें नेगेटिव हो, जो व्यक्ति को आदत ये पड़ी हो कि हर चीज में से खामियां निकालनी, खूबियां हजार उसको दिख नहीं रही हो, हर जगह उसको कहीं ना कहीं खामियां नजर आती हो, वो व्यक्ति से अवॉइड करो, व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि वो तो खामी देखेगा लेकिन आपको भी खामी देखना सिखा देगा। कई लोगों की आदत होती है पूरी दीवार सफेद हो वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन एक बिंदी काली हो वहीं पर नजर जाती है। और सफेद देखने वाले लोग कम है और काली बिंदी देखने वाले लोग ज्यादा है। हमारे बीच में भी ऐसे लोग जिसको इतनी अच्छी चीजें नहीं दिखाई पड़ती लेकिन एक बुरी चीज नजर में आ जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझने की कोशिश करिएगा, परिचय आप किसके साथ बनाते हो यह आपका जीवन तय करता है। संसर्ग आप कितने साथ करते हो, संपर्क आप किसके साथ बनाते हो यह आपका जीवन तय करता है। इसलिए निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, जन्म को बचाना, बढ़ाना, सुधारना हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारा पुण्य था वहां हमारा जन्म हो गया, लेकिन जीवन को धारणा हमारे हाथ में है, जीवन को बनाना हमारे हाथ में है। और निश्चित तौर पर ये तीन चीजें आपका जीवन बनाती है। सबसे पहले नंबर में पुरुषार्थ से आपका जीवन तय होगा कि आपका जीवन कैसा बनेगा। दूसरे नंबर में प्रज्ञा, आपकी नीति, आपकी बुद्धि से तय होगा कि आपका जीवन कैसा बनेगा। और तीसरे नंबर में परिचय से तय होगा कि आपका जीवन कैसा बनेगा। इसलिए यदि जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करते रहे, नीतिमत्ता को साफ रखे, अच्छी रखे, और परिचय अच्छे लोगों से बनाए, और फिर देखे आपका जीवन कहां से कहां पहुंचता है। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।